और आपको हम बता दिए वो टेबल, वो जो वहां जो देख रहे हैं टेबल, ये याद करना होगा, ठीक है। 8.2 एकदम पूरा धजी धजी उड़ जाएगा और आप याद करते हैं तो सिर्फ आपको तो सिर्फ इसको मान वैल्यू बैठाना पड़ता है, इसका मान बैठाना पड़ता है डिग्री का, ठीक है। अब देखो तो कैसे यहाँ पर हल करेंगे इसको, अब देखो तो 5 है, अब देखो तो यहाँ पर हम 5, अब देखो तो इंटू है तो इंटू, अब देखो तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, क्या कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा क्या साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये है। अब देखो तो गुना कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अब देखो 2/√3, अब देखो 2/√3 किसका होता है, अब देखो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या था 2/√3, अब देखो कॉस 60 डिग्री पूछ रहा है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब देखो प्लस, अब देखो 4 गुना क्या है, अब देखो गुना है तो गुना देंगे, अब देखो सेक 30 डिग्री, अब देखो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2/√3, अब देखो 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पर माइनस है तो, अब देखो टेन स्क्वायर 45 डिग्री, अब देखो टेन स्क्वायर 45 डिग्री क्या, टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो बटा है तो यहाँ बटा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर, अब देखो प्लस है तो यहाँ प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, अब देखो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर, समझ में आ गया। अब देखो इसको हल करना है, अब देखो कुछ नहीं बहुत आसान है, ठीक है, करते जाना हल आपको मिल जाएगा, ठीक है, इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 5, अब देखो 5 गुना क्या है 1/2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब देखो 2 × 4 तो 1/4 हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस, अब यहाँ पर देखना 4 गुना क्या है, 4 गुना क्या है, 4 गुना यहाँ पर 2 × 4 करेंगे क्या 2 × 4, अब देखो यहाँ पर बटा क्या है बटा, अब देखो √3 दो बार गुना होगा तो √9 का वर्गमूल क्या होता है 3 × 3 √9 का वर्गमूल 3 होता है तो यहाँ 3 आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, अब देखो माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। बहुत आसानी से हम आपको समझाते हुए जा रहे हैं आगे, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा क्या, 1 ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद बटा है तो बटा दे देते हैं क्या, बटा है तो बटा दे देंगे, ठीक है, बराबर दे देते हैं, ठीक। अब देखो बटे में क्या 1 का स्क्वायर / 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब देखो बटे का स्क्वायर 2 × 4 हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, अब देखो प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे क्या, प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे, उसके बाद √3, अब देखो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, अब बटे 4 × 4, अब देखो 2 है ना 2 × 4 हो जाएगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, अब देखो 5 × 1 करेंगे तो 5 क्या, 5 × 1 करेंगे तो 5 बटा क्या 4, अब देखो प्लस है यहाँ प्लस क्या, अब देखो 4 × 4 = 16, अब देखो 16/3 है, 16/3 है, माइनस है तो माइनस 1/1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे बटे, बटे है तो बटे, अब देखो बराबर का चिन्ह दे देते हैं, अब देखो 1/4, अब देखो प्लस 3/4, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे क्या, इसका एलसीएम लेके हम पूरा अच्छी तरीका से बताते हैं। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, पर इसको सॉल्यूशन करके इसका कैलकुलेशन करके क्या आएगा 15 + 64 - 12 तो आ जाएगा, इसको घटा के आ जाएगा 67/12, ठीक है, यही मेरा आंसर है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन को ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, ये हम करके दिखा दिए पूरा, आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया और कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आपको समझ में आए तो एक बार जरूर लाइक करें, आपको समझ में ना आए तो डिसलाइक भी करें, आपको अच्छी तरीका से समझ में आए तो एक बार जरूर शेयर करें दोस्तों में और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा तो एक बार जरूर एक बार शेयर करना और देखना, और शुरू से लेकर के लास्ट तक जय हिंद जय भारत।